बात अब मौसम के मार की। अभी तक भारी बारिश से बाढ़ की तस्वीरें आपने कई बार देखी हैं। आज बिना बारिश वाले सैलाब का भी जरा सितम देखिए। लेकिन नदी किनारे के मोहल्लों में मुसीबत अब भी बरकरार है। गलियों में नाव चल रही है। क्योंकि नाव के अलावा घरों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं रह गया। प्रयागराज शहर में गंगा किनारे तमाम मोहल्लों का यही हाल है। पानी घटने के बाद अब दुर्गंध और गंदगी से निपटना बड़ी चुनौती है। इन तस्वीरों को देखिए। हफ्ते भर से वाराणसी के मारुति नगर मोहल्ले का यही हाल है। पहली मंजिल अब भी यहाँ पानी में डूबी हुई है। लोग दूसरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू बोट से फंसे लोगों तक राशन का सामान पहुंचा रही है। वाराणसी शहर के 20 वार्ड और आसपास के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कल रात से गंगा का पानी स्थिर होने के बाद सुबह से घटने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो मोहल्ले पानी में डूबे हैं, उन्हें पटरी पर लाने में अभी हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लगेगा। बिहार में गंगा नदी का दिख रहा है रौद्र रूप। राजधानी पटना के कई इलाकों में घुसा नदी का पानी। ये तस्वीरें पटना जिले के मौजीपुर में नदी थाने की हैं। यहाँ थाने के बाहर जब्त की गई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने गाड़ियों को बहने से बचाने के लिए उसे रस्सी से बांध दिया। पानी से पटना के निचले कई इलाके डूब गए हैं। पटना के दीघा घाट से लेकर फतुहा के कटैया घाट तक गंगा के पानी में समा गए हैं। नदी किनारे के इलाकों में रोड पर भी पानी बह रहा है। गंगा के पानी का ये प्रहार है। नदी से निकलकर गंगा का पानी खेतों में बहने लगा है। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर से आई हैं। यहाँ जिले के 5 ब्लॉक बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी के पानी ने बक्सर में कई घाटों को डुबो दिया। बक्सर में राम रेखा घाट से लेकर विवाह मंडप तक डूबे हुए हैं। बिहार में बारिश तो उतनी नहीं हुई, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही भारी बारिश का असर बिहार में दिखने लगा है। बक्सर में चौसा मोहनिया रास्ता पूरी तरह बंद है। लोगों के पास ना भी सहारा बची है। वहीं गंगा के दियारा इलाके में दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। पानी के बीच एक छोटे से बने टापू पर ये मगरमच्छ दिखता है। डराने वाला ये वीडियो उत्तर प्रदेश के औरैया का है। चंबल नदी में पानी कम होने पर मगरमच्छ की तस्वीरें सामने आई। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए।
पुलिस और प्रशासन की ओर से बाकायदा मुनादी कराकर लोगों से नदी किनारे नहीं जाने को कहा जा रहा है। ऐसा है कि पानी उतर गया, लेकिन अभी पानी की तरफ मत जाइएगा, मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। ठीक है, पानी की तरफ आप लोग जाइएगा मत। औरैया जिले में करीब डेढ़ दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पानी बढ़ने पर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। अब पानी कम होने पर लोग लौट रहे हैं, तो ये तस्वीर दिख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।